तो इस दुनिया में अकेली है, तेरी चारों तरफ दीवारें हैं, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। तुझे लगता है कि तुम उससे लड़ पाएगी? बता कैसे लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? बस मैं नहीं, मुझे छूना चाहती है? नहीं छू सकेगी। भूल गई तू कि तू मर चुकी है? यहाँ तेरा शरीर नहीं, तेरी आत्मा है। तेरे पास केवल 12 मिनट है, 12 मिनट के बाद सूर्योदय हो जाएगा। जितनी कोशिश करनी है कर ले, कर पाए तो चले जाना। मैं वचन देता हूँ, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बस रंजना, परसों बाद तो कोई मनोरंजन करने आया है दुनिया में मेरे। ये टूट गया वो, देखा आपने? राघव, मेरी बात सुन। भाभी अब मैं नहीं रुक जा। मैं नहीं, ये कौन है? ये बहुत बड़े पंडित है, ज्ञानी है, हमारी मदद करने के लिए आए। ये पंडित नहीं हो सकते, कौन हो तुम? और तुम वैदी वैदी क्या चिल्ला रहे हो? कौन है वैदी? मैं दुल्हन के गेटअप में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे राघव को दिखाना है कि हमारी शादी हुई थी यस्टरडे, और हम लोग पति पत्नी हो चुके हैं, क्योंकि वो अब सब कुछ यादाश्त भूल चुका है। तो मुझे उसको ये याद दिलाना है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, वैदेही कुछ नहीं है, वैदेही का नामो निशान मिटाना है, इस वजह से मैं इस गेटअप में आई हुई हूँ। वैदेही आ गई राघव को बचाने के लिए, उसको ये खुफिया जगह पता चल गई, हमारा खंडहर पता चल गया है, उसने हमारे एक शैतान को भी मार दिया है, उसके थ्रू वो यहाँ पहुँच गई है। एंड वो अब वो राघव को नहीं बचा पाएगी क्योंकि हमारा जो जादू है, हमारा जो स्पेल है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको तोड़ के वो खुद कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए जीत हमारी ही होगी, एंड मैं फिर से राघव को अपनी दुनिया में, दूसरी दुनिया में लेके जाऊँगी, जहाँ पे वैद्य कभी नहीं पहुँच पाएगी। राघव की याददाश्त मैंने ही भेजी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जितना भी उसका पुरानी यादें हैं वो सब चली जाए, और वो सिर्फ याद रखे कि संजना ही उसकी पहली पत्नी थी और वही उसकी सब कुछ है, तो ताकि वो फिर तभी वो मेरे, क्योंकि चुड़ैल का क्या है, उसकी खुद की मर्जी से।